डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, यदि आप CITS कर रहे होंगे या CITS कर लिए हैं या CITS कर चुके हैं तो ये वीडियो आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। यदि आप CITS कर रहे हैं तो आप लोगों को लेसन प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे ये सभी हम डिस्कस करेंगे। और यदि CITS कर चुके हैं और कहीं ना कहीं स्टडी करवा रहे हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे हैं या कहीं कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है कि इसमें आप लेसन प्लान कैसे बनाएंगे अपने CITS के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, जब CITS के लिए वो सबमिट करना पड़ता है। और दूसरी चीज़, यदि आप कहीं टीच कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं किसी ITI कॉलेज में, तो वहाँ आप कैसे पढ़ाएंगे इस लेसन प्लान के माध्यम से। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेसन प्लान देखते हैं कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर लीजिएगा। और जितने लोग, अभी मैं बता दूं, अपनी CITS कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेसन देखिए, आप लोगों को मैंने फिगर में दिखाया हुआ है जो कि ये है लेसन प्लान। क्या है लेसन प्लान? है इसमें देखिए, लेसन प्लान जो है आपको यहाँ सबसे ऊपर आपका इंस्टीट्यूट का नाम लिखा रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे, लेसन प्लान या डिमॉन्स्ट्रेशन प्लान जो भी बना रहे होंगे वो रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका ट्रेड यहाँ पे लगा रहता है, फिर रोल नंबर, नेम, टाइटल, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ट्रेड में जो आपका ट्रेड रहेगा, जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल है, या आपका ट्रेड में फिटर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रिशियन भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी जो आपका ट्रेड है वो लिखा जाता है। जब लेसन प्लान आप बनाएंगे तो आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा जो कि आपके कॉलेज से प्रोवाइड किया जाएगा, फिर अपना नाम लिखिएगा, फिर टाइटल यहाँ पे लिखना है, यानी कि आपको लेसन प्लान किस पे बना रहे हैं, किस पे आपको लेक्चर देना है वो। जैसे कि मान लीजिए कि मैकेनिक मोटर व्हीकल का टाइटल ये डाले हुए हैं, फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ कूलिंग सिस्टम। क्या है कि कूलिंग सिस्टम का कार्य और फंक्शन क्या है, कार्य सिद्धांत क्या है, ये टाइटल होना चाहिए। इसके बारे में आपको समझाना होता है, यानी कि इसके बारे में आपको पढ़ाना होता है। अब देखिए, जो टाइटल डाले हुए हैं, ये टाइटल कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए ये लेसन प्लान का, तो ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन द ट्रेनिंग शैल बी एबल टू, यानी कि जो ट्रेनिंग है वो क्या सीख जाएंगे इस लेसन के दौरान, कूलिंग सिस्टम क्या है वो सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पे चार ऑब्जेक्टिव आपको लिखने होते हैं, तीन में ऑब्जेक्टिव आप लिख दे रहे हैं, तीन उद्देश्य लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कि आपके इस लेसन के कंप्लीट करने के बाद क्या क्या आप सीख जाएंगे ये आपको बताना होता है। जैसे कूलिंग सिस्टम क्या है ये सीख जाएंगे, कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं और कूलिंग सिस्टम के कार्य क्या होता है और कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार के, ये चीज़ें आप क्या करेंगे ऑब्जेक्टिव में सीख जाएंगे। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप लेसन प्लान करने के बाद, लेसन प्लान को समझाने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि ट्रेनिंग क्या क्या सीख सकता है, वो ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे। इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इधर यूनिट होता है, लेसन नंबर होता है, डेट कौन से डेट में आपने लेसन प्लान बनाया, और आपका टाइम कितना होता है, 30 मिनट या जो भी आपको टाइम प्लान किया जाएगा वो यहाँ पर आपको मिनट लिखना होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपने लिख लिया, अब उसके बाद आता है ट्रेनिंग एड्स, यानी कि ट्रेनिंग एड्स में आपको क्या क्या ले जाने हैं ये लिखना होता है। जैसे आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड होना चाहिए कोई भी, या आपके पास चाक या मार्कर होना चाहिए, ये आपका ट्रेनिंग एड्स है जो आपकी सहायता करेगा। उसके बाद डस्टर होना चाहिए, उसके बाद पॉइंटर होना चाहिए, पॉइंटर लकड़ी का ही बना होता है या प्लास्टिक का भी बना होता है जिसे हम लोग दिखाते हैं व्हाइट बोर्ड पर ही। उसके बाद देखिए प्रिपरेशन, आपको यहाँ पे रिव्यू दे देना है, प्रिपरेशन में आपको रिव्यू या इंटरव्यू इंट्रोडक्शन दे देना है। रिव्यू में आपको वो देना है कि जैसे आपने लास्ट क्लास में क्या किया था और इस क्लास में क्या करने वाले हैं ना, लास्ट जैसे आपने कौन से टॉपिक पढ़ाया हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, यानी कि थोड़ा सा आप उसको दोहराएंगे पिछले लेक्चर का, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन दे के आगे बढ़ना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर लिख लेना है, लास्ट क्लास में हमने आपको लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, इस क्लास में मैं आपको कूलिंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ये लिखना होता है। ऐसे ही लिख लीजिएगा जो पहले पढ़ा चुके हैं वो, और इस क्लास में आप क्या देने वाले हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शन एंड वर्किंग ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम के बारे में हम यहाँ बताएंगे। उसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लड़कों को मोटिवेट करेंगे कि आपका वो लेसन क्यों पढ़ेंगे, तो ऐसा मोटिवेशन बनाया जाता है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड वो मोटिवेशन हो। जैसे मोटिवेशन में यहाँ लिख सकते हैं, जिस प्रकार मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है अपने शरीर के ताप नियंत्रण के लिए,
ठीक उसी प्रकार इंजन के ताप को नियंत्रित करने के लिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि कूलिंग सिस्टम के बारे में लड़का समझ जाएगा और उसको इंटरेस्ट जगेगा यदि आप मोटिवेशन देंगे तो उसको लगेगा कि जिस तरह शरीर का तापमान क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस नियंत्रित होता है ना, वैसे ही इंजन जो है उसका भी ताप नियंत्रित करने के लिए कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वो मोटिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन नंबर वाइज रख लीजिएगा 1, 2, 3, 4 सीरियल नंबर। देखिए यहाँ पे आप लोगों को ऐसे ही कैटेगरी बना लेना है। यदि आपको ये देखिए आपके जहाँ पे NSTI होगा उसके बाहर ये लेसन प्लान आपको मिल रहा होगा, ठीक है। यदि नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, पेज पे ही एक पेज लेंगे, उस पे देखिए अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख लीजिएगा, लेसन प्लान लिख लीजिएगा, ट्रेड इस साइड में लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, ट्रेड रोल नंबर नेम टाइटल और ऑब्जेक्टिव, और दूसरे राइट साइड में आप क्या लिखेंगे, यूनिट नंबर लेसन डेट और टाइम। उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिख लेंगे कंप्लीट करने के बाद आपका क्या उद्देश्य रहेगा इस लेसन प्लान के बाद। उसके बाद आपको ट्रेनिंग एड में क्या क्या लगेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन में आप इंट्रोडक्शन और मोटिवेशन डालेंगे, और यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको देखिए प्रेजेंटेशन में आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन में मान लीजिए इंफॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे और यहाँ स्पॉट हिंट्स लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे आपका मुख्य पॉइंट लिखना है और यहाँ पे पॉइंट लिखना है, ठीक है। ये पॉइंट वो लिखना है जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ हो गया, यहाँ पे लिखा जाता है ना। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो इंस्ट्रक्टर गाइड के लिए आपको स्पॉट हिंट करेगा वो लिखना है। जैसे मैंने चार्ट बनाया है, अब यहाँ कूलिंग सिस्टम में इंजन में कैसे वर्क करता है कूलिंग सिस्टम, ये चार्ट आपको एक अलग पेज पे बना लीजिएगा जहाँ पे आप समझा सकें चार्ट के माध्यम से। तो ठीक है, आपको क्या लिखना है, प्रेजेंटेशन में पहले सीरियल नंबर, पॉइंट्स एंड टॉपिक क्या है, जैसे इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा यहाँ लिख लेंगे। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ कूलिंग सिस्टम, तो कूलिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा लिख लेंगे, और ऐसे ही जो जो पॉइंट है यहाँ पर टॉपिक डालकर वो आपको हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए कि इंट्रोडक्शन में मैंने यहाँ लिख दिया, पावर स्ट्रोक में इंजन का तापमान बहुत अधिक हो जाता है जबकि इंजन के फ्यूल जलने में उत्पन्न ऊष्मा 25% ही शक्ति में परिवर्तन होता है, रिमेनिंग 75% जो ऊष्मा होता है वो 35% ऊर्जा एग्जॉस्ट गैस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। इंजन को नॉर्मल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा गर्म होने पर इंजन का प्रभाव क्या होता है कि प्री इग्निशन होता है, नॉकिंग होता है, डिटोनेशन होता है, ये सभी आपको पॉइंट बता देना है। फिर आगे जब आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट मैंने पीछे की साइड में बनाकर दिखाया है कि यहाँ पे सीरियल नंबर, पॉइंट्स, टॉपिक, इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट, उसके बाद स्पॉट हिंट्स। यहाँ पे मैंने पॉइंट्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 डाला हुआ है। इसमें पॉइंट जैसे टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम डाल दिया है, एयर कूलिंग सिस्टम डाल दिया है उसके बारे में थोड़ा लिख दीजिएगा, वाटर कूलिंग देखिए जैसे कि टाइप ऑफ कूलिंग में वाटर कूलिंग और एयर कूलिंग डाल दिया है तो अब उसके बारे में एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग थोड़ा थोड़ा समझा देना है। फिर टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग कितने प्रकार के होते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से लगते हैं कूलिंग सिस्टम में, ये आपको ऐसे ही टॉपिक बनाकर लिख देना है ना। और यहाँ पे स्पॉट हिंट में जो भी हिंट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं लगा सकते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट जो होगा आपका यहाँ पे देखिए क्या होगा कि समराइजेशन होगा। समराइजेशन मतलब क्या होता है कि आपको याद दिलाना होगा कि पावर स्ट्रोक के दौरान इंजन बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है जिसके कारण इंजन सीज होने रहता है, इसलिए इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन बताना है, एप्लीकेशन में आपको क्या बताना है कि आपका इस्तेमाल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस लिए करते हैं, ये एप्लीकेशन बता देंगे। अब देखिए जब लेसन प्लान आपने पूरा डिस्कस कर लिया है तो आपको क्या करना होगा, टेस्ट लेना होगा। तो टेस्ट के लिए 2-3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं क्लास में, जैसे आपने बता दिया कि कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है तो वो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कूलिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो कोई भी मौखिक टेस्ट दे सकता है कि कूलिंग सिस्टम जो होता है 2 प्रकार का होता है जितने टाइप का आपने बताया, कूलिंग सिस्टम इंजन के कितने प्रतिशत ऊष्मा को बाहर निकालता है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन होना चाहिए आपको टेस्ट लेने के लिए क्लास में कि आपका जो लेसन प्लान किया है आपने क्लास में वो समझे है कि नहीं, वैसा छोटा छोटा क्वेश्चन कि वो लोग बता सकें। अब यहाँ पे रेफरेंस डाल देना है, रेफरेंस में डालना है कि उपरोक्त सभी जानकारी या अधिक जानकारी के लिए आप किस बुक से ये लिए हुए हैं ना, यानी कि डाटा कहाँ से लिए हुए हैं, इंटरनेट से लिए हुए हैं या कौन से बुक से लिए हुए हैं, बुक का पब्लिकेशन राइटर का नाम बता दीजिए, ये आप उस बुक का यूनिट और लेसन और पेज नंबर भी बता सकते हैं। और नेक्स्ट लेसन आपको बता देना है, जब भी क्लास खत्म करिए तो बोल दीजिए अगले क्लास में हम आप लोगों को, जैसे कूलिंग सिस्टम था तो अगले क्लास में जब लेक्चर कंप्लीट हो गया तो बोल दीजिए कि अब अगला क्लास में हम लोग लुब्रिकेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे या अन्य कोई भी टॉपिक आप बता सकते हैं।
जैसे मान लीजिए परसेंटेज चैप्टर बताए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट लेसन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे ना, या पढ़ाऊंगा सब विस्तार में आपको पढ़ाऊंगा। तो ये था लेसन प्लान की संपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को पसंद आने के साथ साथ एक लाइक कर दीजिए और इसका फॉर्मेट आप लोग को तैयार कर लेना है। फॉर्मेट देख लीजिए कैसे है, यही लिखना है और अपना यहाँ पे जैसे कि ट्रेड, रोल नंबर, टाइटल, ऑब्जेक्टिव, यूनिट, लेसन, डेट, टाइम, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जैसे ये फॉर्मेट मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको तैयार कर लेना है। और लास्ट पेज देखिए, ये इतने में सीरियल नंबर, पॉइंट्स एंड टॉपिक्स है, इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट है, स्पॉट्स हिंट है। फिर आपको देखिए ये पेज सादा रहेगा, आपको ऐसे खींच कर बनाना होगा ना, देख सकते हैं। देखिए मैंने ये स्केल से खींच कर बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे समराइजेशन लिखेंगे, उसका अप्लीकेशन लिखेंगे, टेस्ट लिखेंगे, रिफरेंस लिखेंगे, नेक्स्ट लेसन लिखेंगे, आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा, लेसन प्लान। तो देखिए जितने लोग भी नए होंगे चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें कि मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ CITS से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। यदि आप CITS कर चुके हैं या CITS करने वाले हैं या कहीं आप पढ़ा रहे होंगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें कि कहीं पे आपका इंस्ट्रक्टर का पोस्ट आता है तो चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। और दूसरी बात, आपने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं जो कि अदर स्टेट्स हैं, जो कि वहाँ जॉब इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।